रेलवे से शिकायतों की तो हजार कहानियां मिलती हैं, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री कभी कभी ऐसे गुड वर्क भी करती है कि रेल के सफर पर मुसाफिरों का भरोसा बढ़ जाता है। हावड़ा से नई दिल्ली आ रही दुरंतो एक्सप्रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 5 साल के मासूम की तबीयत बिगड़ी, तो रुक गई दुरंतो एक्सप्रेस। रेलवे मिनिस्ट्री का गुड वर्क। साल के मासूम के लिए दुरंतो जैसी वीआईपी ट्रेन आधे घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। दरअसल हावड़ा से नई दिल्ली जा रहे एसके मलिक के 5 साल के बेटे अमित की ट्रेन में अचानक तबीयत खराब होने लगी। लंबे सफर में बच्चे को दस्त और उल्टियां होने लगी। जब बच्चे की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो ट्रेन के टीटी से मदद मांगी गई। टीटी ने तुरंत एक्शन लिया और सीनियर ऑफिसर्स को बच्चे के बारे में बताया। रेलवे मिनिस्ट्री हरकत में आ गई और बांकुड़ा पार होते ही अगले आद्रा स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। कुछ ही मिनट में बच्चे को देखने ट्रेन के S2 कोच में स्टेशन मैनेजर और डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। बच्चे की जांच की गई और उसका इलाज शुरू हुआ। ट्रेन तब तक स्टेशन पर ही रुकी रही जब तक कि बच्चे को आराम नहीं आ गया। इसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को जरूरी दवाएं दी। मुश्किल वक्त में एक गुहार पर इस तरह की मदद मिलने से अमित की माँ रेलवे को शुक्रिया कहना नहीं भूली। करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन आगे बढ़ी। आधे घंटे तक वीआईपी ट्रेन के रुकने से बाकी मुसाफिर परेशान जरूर हुए, लेकिन जिसने भी बच्चे की बीमारी और रेलवे की मदद के बारे में सुना तो सब अपनी छोटी परेशानी को भूल गए। अमरदेव पुरलिया, न्यूज 24।